अपनी ये लुक चेंज करनी है जिससे आप सब बिल्कुल बोर हो चुके हो। ये देखो गाइस मेरे कितने सारे बाल काट दिए। तो बस मेरी आज आज सुन ले, उसके बाद बेशक मत सुनिए। अब देख लो हम शौक की स्टेज में है, मतलब जितने यूट्यूबर्स है ना, आज तक एक भी यूट्यूबर ने ये काम नहीं किया होगा। आज का दिन खराब है, इतनी डरी हुई हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग, और आपका स्वागत है कदी कराना व्लॉग चैनल पे। ये देखो मैं कहाँ हूँ, डॉक्टर रितु के पास। Hello. इतने मैसेजेस आए हैं आपकी रील देख के मेरे पास कि डॉक्टर रितु अजय हुड्डा की बहन है क्या? इसका जवाब दो पहले। हाँ जी, मैं अजय हुड्डा की बहन हूँ, और ये राखी की वीडियो आपने देख ली होगी। अब डाउट क्लियर हो गए ना सबके। तो अभी मेरा ट्रीटमेंट शुरू होगा, मैं लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट लूंगी, और मेरी कौन सी चौथी पांचवी सिटिंग है ये, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बाकी ट्रीटमेंट करवाने के बाद मिलते हैं। सी यू रोहित। गाइस कंपटीशन चल रहा है, उन्होंने भी जोमेटो कर रखा है, मैंने भी कर रखा है जोमेटो। किसे पहले आएगा देखते हैं। ऑर्डर किसका पहले आया था? किसका पहले आया? मैंने गाना बोलना है जी। मतलब मोड पे ही है वो, अभी तक का मोड पे है। जी जी, नाचन हॉस्पिटल के पास है, अगर आप जल्दी आओगे तो सब टिकट मिल जाएगा आपको। ये तो है। हाँ डॉक्टर रितु, कभी इतनी टिप देने के बाद भी रोहित का पहले डिलीवर हो जाए। सात मिनट में मेरा आ जाएगा। हाँ रोहित का आगे है, सौ रुपए का सवाल है मेरा। तो थोड़ा यू टर्न दिखा, यू टर्न मार का। हेलो भैया, सौ रुपए का सवाल है, सौ रुपए का मन हो गया जी, मैं कैंसिल कर दूंगा ऑर्डर। कहाँ पे हो? कदे वो एक के पाव है, एक नहीं है, अलग है। आपको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि दोनों इकट्ठे आओगे घूमने। मैं वहां जा रहा हूँ, मैं वहीं आ गया। कितना झूठा है रोहित, डॉक्टर रितु के सौ रुपए काम आ गए। तो भाई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टिप दी जा रही है, रिश्वत दी जा रही है, रिश्वत दे दी। ये रिश्वत का पिज्जा है, जीत गई। लड़कियों से आगे कोई नहीं। अरे वो सो भी लेगा, बताना। हाँ कमेंट्स में बताना। रोहित का अभी भी नहीं आया। लो गाइस सबसे पहले आप खाओ। तो गाइस ये पिज्जा था वो जिसके लिए रिश्वत दी गई और मैं जीत गई। ये 300 रुपए की। और ये खाया कहाँ जा रहा है ये देखो पहले तो। हाँ वर्क प्लेस खुश होगा इससे। गाइस बहुत महंगी मशीन है, कई करोड़ की। तो ये पिज्जा खाया जा रहा है और चम्मच से खाया जा रहा है। आज मेरा ट्रीटमेंट होने लग रहा था ना, तो दोनों मशीन, एक मशीन यहाँ थी, एक मशीन यहाँ। मैम ने बोली 1.5 करोड़ की मशीन अभी आपके हाथ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये लो, इतने बड़े बड़े पीस हैं इसके। ये लार्ज वाला किम्मी तू खा लेगी? जिसका तुम्हें ता इंतजार, वो घड़ी सॉरी ऊपर आ गया। तो गाइस जिसका आप वेट कर रहे थे ना, फाइनली स्माइल अप क्लिनिक पे डिस्काउंट ऑफर आ चुके हैं। तो आप जितने भी पैकेजेस लेते हैं किसी भी बॉडी पार्ट पे, सब पे 50% ऑफ है इस फेस्टिव सीजन में।
तो जल्दी आए, विजिट करें। रिजल्ट आप पहले कैसे पूछ लेना। अभी अभी लेजर करवा के आती हूँ, ये देख लो, ये चार सीटिंग के बाद इतने मस्त, मतलब कैन की भी जरूरत ना है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत बेस्ट मशीन है, पूरे हरियाणा में सबसे बेस्ट मशीन से ट्रीटमेंट ले रही हूँ मैं। और बाकी आप आओगे ना खुद आपने पता लगेगा। मेरी एंट्री है। हेलो। हाँ वाली बात है, बहुत सारे लोग यहाँ से फोटोज क्लिक करवाने आते हैं, इतना सुंदर स्टूडियो बना दिया। रोहित ने इतने घंटे वेट करा है मेरे पूरे ट्रीटमेंट में, वेट किया। हाँ रोहित की हाँ बिल्कुल भी नहीं, अपने पैरों पे नेल आर्ट, पैरों पे आजा शेड्स के लिए। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते। चल पड़े, ड्यूटी ऑफ हो गई है। कनिका बोली हुई। और भाई ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, यहाँ की वाइब भी बहुत अलग है। हाँ तो उस दिन आई थी साइकिल पे और ओपनिंग पे भाई साइकिल रह गई थी इसकी, इनने हड़प ली साइकिल। तो गाइज आज स्टूडियो 99 विजिट करने का मुद्दा ये है कि मेरे को अपनी ये लुक चेंज करनी है जिससे आप सब बिल्कुल बोर हो चुके हो। अब मेरे को समझ नहीं आ रही, मेरे को यही गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और रोहित कह रहा है मैं वाइट बाल करवा रहा हूँ और तू पिंक करवा ले, इसकी बात सुन लो कोई। रोहित वाइट करवाने हैं, देखा देखा ये रोहित क्या करवा रहा है। इसमें और तेरे में वैसे, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है वैसे, पागल है तू, क्या करवा रहा है रोहित। और सीरियस हो गए ने कर दिया फिर, अच्छे लगेंगे ना लगा बढ़िया, मलिंगा लगेगा तू ना लगा। मलिंगा पता है कौन है रोहित? अरे यार मुन्ना पसंद है यार, तने क्रिकेट देखता है ना तू, तने ना बेरा मलिंगा कौन है, मलिंगा बोलना ना बेरा। ये देखो गाइस मेरे कितने सारे बाल काट दिए इन्होंने, यहाँ सब कुछ अलग है। अभी फिलहाल मैं हेयर स्ट्रेट करवा रही हूँ, क्रीम लगाते ही मेरे को आधे एक घंटे तक बैठना पड़ता था, अब क्रीम लगाते ही हेड वॉश, मतलब यहाँ सब कुछ एडवांस है, अब कई घंटे नहीं लगेंगे हेयर स्ट्रेट करवाने। तो भाई इस माय न्यू हेयर लुक देख लो भाई, बस इसमें इतना सारा काम हुआ है गाइस, आपको बता दूं मैं, सिर्फ बाल धोए हैं और नू करया बना हाथ, इतना काम हुआ है। और माय न्यू हेयर लुक आ गई और कनिका के हेयर लुक हो रहे हैं, और मैं अपने बाल करवा रही हूँ आज पिंक, और सर और सर के बाल वाइट होएंगे क्योंकि वही वाइट कोट पहनते हैं वो। अरे मेरा क्या करोगे भाई तुम, है काला तो रेड, तू रेड क्या था? अरे यार तुम मेरे तनु क्या दे रहे ना, अगर अगर इतने पैसे हम दे रहे हैं तू करवा, मैं तो बिना करवाऊ। और जिद पकड़ के बैठ जाइए डॉक्टर, तू बोलो ना इसको राख करा रहे तुम अपने बालों को, राख नहीं ना, चलो इस व्लॉग में कमेंट लेते हैं, अभी कैमरे में सब मना कर रहे हैं नहीं, और थोड़ी देर पहले अच्छे लगेंगे कर लो, मैं दिखाऊं मन के लिए तो लगता है। ये पक्की सरदार नहीं है गाइस देख लो, भाई साहब कनिका तू ऐसे ही कर ले बालों का, तेरा लुक ये हो जाएगा चेंज, मान तू मेरी बात, तू ऐसे ही रख बालों को, एक एक ब्लैक कपड़ा ले आते हैं मार्केट से, एक थान लिया हूँ ब्लैक,
मैं अपना करवा लूं तू नूर बैठा रहूंगा आज कुछ भी ना करवा कोई ना कोई ना डॉक्टर रितु वाली वो बात है कि अपना पेडिक्योर करवा मुझे अब अब ना काम अच्छा इसने बोला था आपको ये करवाने के लिए आज तुम आ गए मैं आ गया अच्छा ना तो मैं भी नहीं बैठती भाई राम इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा टाइम लगा अब फिर से हेड वॉश होएगा अब इसके बाद क्या है लास्ट अच्छा तो गाइस डॉक्टर रितु मेरे को घुमाने के लिए लेके जा रही है यस पहली बार हम दोनों इकट्ठे और वो भी अकेले और रोहित ने हमें मौका दिया है साथ घूमने का आराम से घूमने का रोहित ऐसा कुछ करने जा रहा है कि आप लोगों को यकीन भी नहीं होगा वो आपको शाम को 4 बजे पता चल ही जाएगा कि उसने क्या कर डाला अभी तक हम दोनों शौक में है ना सीरियसली हम नहीं वहाँ जितने लोग बैठे सब मतलब जितने यूट्यूबर्स है ना आज तक एक भी यूट्यूबर ने ये काम नहीं किया होगा जो रोहित ने कर दिया वो आपको दिख जाएगा शाम को अब देख लो हम शौक की स्टेज में है और हम अपना मूड ठीक करने बाहर जा रहे हैं तो सोच लो कितना खतरनाक काम करा होगा उसने और जो मेरी लुक है अभी तो मैंने बाल स्ट्रेट करवाए हैं आज वो लुक चेंज वाला फंडा 4 घंटे और चलता हम रोहित के टाइम तो दुखी है मैं राग होगा बाजली मगर 4 घंटे नहीं दे सकती मैं कुर्सी पे नहीं बैठ सकती तो बाद की बाद में देखेंगे पहले रोहित का देख लिया कि उसने क्या कर डाला भाई डॉक्टर रितु को है ना बहुत टाइम हो गया था डेट पे आए उनको कोई मिला नहीं मैं मिल गई आज मजा आ गया ये हमारी डेट नाइट शुरू हो गई है शेक्स के साथ अभी खाने पीने का भी आएगा और हम रोहित और डॉक्टर साहब जी के लिए भी लेके जाएंगे ऐसा नहीं है कि उनको भूखा मारेंगे पर मजा आ गया उनके बिना है ना गर्ल टाइम होना चाहिए है ना पहले ठीक थी लड़कियां बैठी करती अपनी आपस में बस सारी बात शेयर करा करती आज हमारे साथ वही काम हो रहा है हम अपने दुख सुख के बतलावा है सही बात है आज का दिन खराब है ओके कर दिया हमारी डेट वो खराब कर दी हाँ अब तो ला मैं ये खुद करूंगी दे दो मैं ये खुद करूँ एक बार वॉशरूम में जाके वॉश करना पड़ेगा चलो पैर साफ हो गए भैया ये क्या कर डाला पूरी डेट खराब कर दी हमारी उसने पकड़ा सही नहीं था पर हमें पूरी जिंदगी याद रहेगी वरना हम भूल जाते इस डेट को इसको कहते हैं नजर लगाना किसी ने नजर लगा दी क्या था हाँ आज क्या था बताइए आज क्या था आज हम बहुत दिन बाद मिले हैं अच्छा अच्छा इसी दिन तो याद रहेगा कितना टाइम लगेगा रोहित को 20-25 मिनट बस उसके बाद खत्म अभी गाइस मैं रोहित का लुक रिवील नहीं कर रही वो इसके व्लॉग में ही देखना टाइम क्या हो गया डॉक्टर रितु मेरा फोन दे दिखाती ये देख लो आपका तो बार आएगा ये बोल रखे इस इलाके में खेता में काम करके आ रही हूँ तो गाइस रोहित का लुक कंप्लीट हो चुका है लास्ट थोड़ा सा रह रहा है और रोहित क्या किया डाओगी दे दू इशारा करे मत हिंट दे ऑडियंस कितना क्यूट है वो तो कल शाम को 4 बजे सब इस जो बड़ा टीवी लगा हुआ है ना वहाँ पे दिख गया बोरी हाँ उस पे रोहित का व्लॉग चलेगा कल स्टूडियो 99 छाने वाला है हर जगह अगली बार जो दिवाली पे उस पर रोहित की फोटो आएगी भैया ने स्पेशल डिमांड करी है कि मेरा नेल का आना चाहिए माय नेल्स आर प्रीटियर देन योर्स तो कोई भी स्टूडियो 99 पे आएगा ना भैया से नेल आर्ट जरूर करेगा ठीक है मैं ऑडियंस को बोल रही हूँ अच्छी सी नेल आर्ट करवा देना कर देना इन्होंने आलिया भट्ट की भी कर रखी है नोरा फतेही की देखो कहाँ कहाँ तक पहुंचे हुए ये आपकी नेल आर्ट करेंगे कितनी बड़ी बात है तो विजिट करना यहाँ पे अच्छा हमने तो मजे आ ना आया तेरा लुक टेंशन हो रही है इसके कि मेरा लुक आ गया ना करूँ तेरा लुक रिवील आप रोहित के चैनल पे ही देखना रोहित का लुक
तो गाइज हम निकल चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 1:45। अब ये देख लो 2:45 तक हम घर पहुंचेंगे और कितने 3:30 तक ही सोया जाओगा और फिर सुबह उठना। ओ माय गॉड। और सुबह उठ के रोहित का जो मम्मी मतलब अभी आपको भी रिवील नहीं हुआ हुआ इस व्लॉग में, वो जो शाम को रिवील होगा वो देखना, वो अलग सांग, वो पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या खलबली मचाई आज इनने स्टूडियो 99 में, तबाही मचा दी हमने लिटरली। और व्लॉग में कमेंट ज़रूर करना और गेस करना कि क्या करवा सकते हैं हम और क्या करवाया होगा रोहित ने, कि जो मैं इतनी डरी हुई हूँ कि आप लोगों का रिएक्शन कैसा होगा रोहित को देख के आज शाम 4 बजे। यस, तो अपने मतलब गेस जरूर बताना कमेंट में क्या करवाया होगा रोहित ने। तो ठीक है गाइज, ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।